राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को अतिथि राजाओं द्वारा लाए गए उपहार स्वीकार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तब दुर्योधन ने पांडवों की संपन्नता व शक्ति अपनी आंखों से देखी और वो ईर्ष्या से झुलस गया। युधिष्ठिर को खंडव प्रस्थ के उजाड़ खंडर देकर वह हस्तिनापुर से निकलवाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था, किंतु 20-25 वर्षों में पांडवों ने खंडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया। वह युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट। ये देख दुर्योधन का लालच व ईर्ष्या दोनों जाग उठे। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात सभी अतिथिगण लौट गए, किंतु पांडवों की संपन्नता देखने के लिए दुर्योधन रुक गया। एक दिन युधिष्ठिर की माया सभा में घूमते हुए वो कभी एक जलाशय में गिर गया, कभी एक दीवार को दरवाजा समझ उससे जा टकराया। इस पर भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव उस पर हंसे थे। वह वो अपमान व क्रोध का घूंट पीकर रह गया था। हस्तिनापुर लौटकर वो उदास रहने लगा, क्योंकि पांडवों की समृद्धि व खुशहाली उसे रास नहीं आई थी। वो किसी भी हाल में इंद्रप्रस्थ हड़पना चाहता था। अपनी चाटुकार मंडली यानी कर्ण, शकुनी व दुशासन से मंत्रणा कर उसने निष्कर्ष निकाला कि पांडवों को युद्ध में तो परास्त नहीं किया जा सकता, किंतु युधिष्ठिर जैसे नौसिखिय व अकुशल खिलाड़ी को द्रुत में हराया जा सकता है। फिर दुर्योधन ने जिद करके धृतराष्ट्र को द्युत का निमंत्रण भेजने पर विवश किया। भीष्म, द्रोण, कृप व विदुर सभी इसके विरोध में थे, किंतु धृतराष्ट्र आंखों से अधिक पुत्र मोह में अंधा था। युधिष्ठिर यह निमंत्रण स्वीकार करने को विवश हो जाए, इसलिए यह निमंत्रण धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया। उसकी ओर से वह इसे लेकर गए विदुर। ऐसे में युधिष्ठिर, जो सभी बड़ों का आदर करते थे, वह धृतराष्ट्र को बहुत मान देते थे, इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि वो समझ गए थे कि यह कोई चाल है, किंतु युधिष्ठिर को विश्वास था कि भीष्म व गुरुजनों के रहते कुछ गलत या अधर्म नहीं हो पाएगा। तो जो युधिष्ठिर को द्रुत खेलने के लिए दोषी मानते हैं, वो देखे कि युधिष्ठिर की ना तो मंशा गलत थी और ना आरंभ में उनकी सोच में कोई विकृति थी। इसके विपरीत दुर्योधन व उसकी मंडली का ध्येय ही षड्यंत्र व अधर्म था। अब कृष्ण ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, इसके दो स्पष्ट कारण हैं। पहला, कृष्ण उस समय ना इंद्रप्रस्थ में थे, ना हस्तिनापुर में और ना द्वारिका में। राजसूय यज्ञ के दौरान कृष्ण की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर शाल्व ने द्वारिका पर आमंत्रण कर दिया था, जिसे प्रद्युमन व अन्य योद्धाओं ने विफल किया। अतः जब युधिष्ठिर के पास द्युत का निमंत्रण आया, उस समय कृष्ण शाल्व की नगरी पर आक्रमण कर उससे युद्ध कर रहे थे। कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि वह द्वारिका में होते और उन्हें द्युत क्रीड़ा का समाचार मिल जाता, तो वो बिना निमंत्रण के ही हस्तिनापुर पहुंच जाते व सबको समझाते और द्युत नहीं होने देते। दूसरा कारण, युधिष्ठिर एक वयस्क थे व सम्राट भी, अपने निर्णय स्वयं लेने में वो सक्षम भी थे। वह अपने लिए निर्णयों के परिणामों के जिम्मेदार भी। यदि कृष्ण उन्हें बचा लेते तो उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे होता, वह कैसे सबक मिलता। द्युत में उनका व्यवहार हम सब के लिए एक सबक है कि जब इतने विद्वान, बुद्धिमान व धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर की बुद्धि द्युत के नशे में भ्रष्ट हो सकती है, तो हम सबको इस व्यसन से सावधान रहना चाहिए। जो भी व्यसन मनुष्य का विवेक नष्ट कर उसे इतना गिरा देता है कि उसे संपत्ति व भाई में अंतर ही दिखाई ना दे, उसे दूर रहना चाहिए।
द्युत के नशे में युधिष्ठिर ने अपनी वो संपत्ति दाव पर लगाई जो उनके भाइयों ने अपने परिश्रम व पुरुषार्थ से अर्जित की थी। उन्होंने उस राज्य को दाव पर लगाया जो उन पर आश्रित था व जिसके वो पालक व पिता समान थे। उन्होंने उन भाइयों को दाव पर लगाया जो उनके लिए अपने प्राण भी दे सकते थे व जिनमें युधिष्ठिर के अपने प्राण बसते थे। उन्होंने उस पत्नी को दाव पर लगाया जिसे वो अपने निकटतम मित्र मानते थे, जो उनकी भाग्य लक्ष्मी थी व जिसके आने से उनके भाग्य का सूर्य तेजी से उदय हुआ था। जब उन्होंने ये सब गलतियां की तो उनका परिणाम तो उन्हें झेलना ही पड़ता। उनके भाइयों ने उन्हें रोका नहीं, इसलिए परिणाम उन्होंने भी भुगता। अपने कर्म का फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। भगवान ने मनुष्य को सही व गलत में अंतर करने के लिए विवेक दिया है, सही क्या है व गलत क्या है यह भी बताया है, किंतु करना क्या है यह मनुष्य स्वयं चुनता है और जो वो करता है वैसा ही फल पाता है। तो जब युधिष्ठिर ने अपना रास्ता स्वयं चुना तो उस पर तो उन्हें चलना ही पड़ता। कृष्ण का उन्हें बचाना भगवान के अपने नियमों के विरुद्ध होता। गीता के उपदेश देने के पश्चात कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा कि मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया, अब करना क्या है इसका निर्णय तुम स्वयं करो। धन्यवाद।